कैसे नौकरी छोड़कर आप खेती शुरू कर सकते हैं। नौकरी छोड़ने से लेके जो आपको रिस्क है, नौकरी छोड़ने को लेके नहीं है। आपका सबसे बड़ा रिस्क होगा कि आपका जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम आपके जो नौकरी से आ रही थी वो रुक जाएगी। दूसरा, आपकी जो सेविंग्स है वो खर्च होने या खत्म होने शुरू हो जाएंगे। यही दो रिस्क है जिसको आपको आने वाले दिन में मैनेज और कंट्रोल करना है। जब ये डैमेज कंट्रोल आपने अपने हाथ में कर लिया, सारे चीजों का कंट्रोल, तब सिचुएशन आपके फेवरेबल हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं विवेक हतराज, फाउंडर और क्रिएटर किसान बिजनेस क्लिनिक। तो अगर इनकेस आप सोच रहे हैं कि नौकरी छोड़कर खेती बाड़ी में उतरना है, तो सबसे पहले आपको खेती बाड़ी में एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम और किस तरीके से अपनी सेविंग्स बढ़ाई जा सकती है, बचाई जा सकती है, या फिर उसे किसी तरीके से एफिशिएंट बना के यूटिलाइज की जा सकती है, इन चीजों को अगर आपने पहले से ही फिगर आउट कर दिया अखाड़े में उतरने से पहले, मतलब नौकरी छोड़ने से पहले, तो आपका रास्ता खेती बाड़ी को लेके काफी आसान हो जाएगा। मेरा भी एक्सपीरियंस पिछले 7 से 8 साल कॉर्पोरेट्स में जॉब करने का रह चुका है, और इसके अलावा भी मैं खुद पिछले 8 से 10 साल से ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मर रह के अपने खेती को एक प्रोफेशनल लेवल के बिजनेस के तरह भी चलाया है। तो क्या ये आपके लिए सही समय है नौकरी छोड़ने का? डिपेंड करता है आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, जैसे कि आप खुद कितने तैयार हो। दूसरा बात है, क्या आपके पास उतने सफिशियंट पैसे हैं फार्मिंग के बिजनेस को एक प्रोफेशनल लेवल में चलाने का? क्या आपकी उम्र है यंगस्टर्स की तरह काम करने का? क्या आपके पास ट्रायल्स एंड एरर्स, हिट या मिस करने का समय है? सक्सेस के तरफ बढ़ने का आपके पास वो पेशेंस है? क्या आप खेती बाड़ी शुरू करने को लेके जितने भी रिस्क है, एडवर्सिटीज है, चैलेंजेस है, क्या आप इससे वेल अवेयर हो कि कैसे आप अपने लेवल पे उसको सॉल्व कर सकते हो? और यस, ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने खुद के फार्मिंग प्रोजेक्ट को एक सीरियस बिजनेस की तरह चलाना चाहते हैं या फिर एक हॉबी फार्म की तरह चलाना चाहते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली सूनर और लेटर आपको रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम जितना जल्द से जल्द हो खेती बाड़ी से आपको एस्टैब्लिश करनी है, और वहां से सबको दे दा के अपना फार्मिंग से जो सेल्फ फंडेड फार्मिंग प्रोजेक्ट है उससे आप अपने कुछ पैसे बचा भी सको। तो ये दोनों चीजें आपको सुनिश्चित करनी है। तो नौकरी छोड़ के खेती बाड़ी शुरू करने में सबसे पहला आपको किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा? खेती बाड़ी शुरू करते वक्त मार्केट में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहला तो हो गया स्मार्ट लोग, जिनको सब कुछ पता है उनको क्या चाहिए, ठीक है। बट इससे एक लेवल ऊपर बढ़ के तजुर्बेकार लोग होते हैं जिनको पता है उनको क्या नहीं चाहिए। यस, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि आपको क्या नहीं चाहिए, क्योंकि इंटरनेट पे वीडियो देख देख के आपको तो सब पता चली जाता है, आइडिया इंफॉर्मेशन तो पता चली जाता है, बट जो तजुर्बे से जो आपको पता चलता है कि वो हजारों चीजें कौन सी नहीं करनी है, और उसके बाद जो बचता है वो मिलता है कि क्या चीजें हमें करनी है। तो इन दोनों के बीच में जो फर्क करना सीख जाते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम लेने के बाद, तो ऐसे आप जैसे प्रोफेशनल लोग 80% पहले से ही सक्सेसफुल हो जाते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल ओल्ड स्टाइल किसान। और यस, आपका फार्मिंग में सक्सेस इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की फार्मिंग की ट्रेनिंग आप लेके अखाड़े में उतर रहे हो। क्या आप प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग कर रहे हो? दैट मींस इंडिया के जो 99.9% जो किसान है जो सिर्फ प्रोड्यूस कर पाते हैं, सिर्फ वही बेच पाते हैं, और इसी के चलते वो अपने दायरे तक सीमित रहते हैं, या फिर कभी मौसम को ब्लेम करते हैं, या फिर मार्केट के रेट को ब्लेम करते हुए विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं, या फिर आप कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग करने की सोच रहे हो, मतलब कस्टमर जो मार्केट में चाहता है वही आप उगा के रिवर्स इंजीनियरिंग करके उस डेट में डिलीवर कर रहे हो जिस डेट में आपके खुद के कस्टमर को चाहिए होता है, या फिर तीसरा आप हॉस्पिटैलिटी सेंट्रिक फार्मिंग करना चाहते हो, मतलब आपका खेत दिखने में बहुत सुंदर है, आप उसको बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हो, मैनेज कर रहे हो, प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग, कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग, और इसको देखते दिखाते हुए हॉस्पिटैलिटी सेंट्रिक फार्मिंग, मतलब एग्रो टूरिज्म करके आप बहुत सारे जगह से पैसे कमा रहे हो। तो इन तीनों मॉडल को, प्रोडक्शन सेंट्रिक फार्मिंग, कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग और हॉस्पिटैलिटी सेंट्रिक फार्मिंग, ये तीनों को जोड़ते हुए जब आप प्रोफेशनल लेवल का बिजनेस करते हो, तभी जाके आप रियल सेंस में आप अपने नौकरी को छोड़ के खेती बाड़ी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं।
तो नौकरी छोड़ के आप खुद का फार्मिंग का प्रोजेक्ट कब तक स्टार्ट कर सकते हैं? प्रोफेशनल लेवल का करियर प्लान जब तक आपको नहीं मिलता, जो कि ऑब्वियसली हम लोग आपको किसान बिजनेस क्लिनिक के मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम में देते हैं, इसकी क्लैरिटी। दूसरा, कैसे अपने रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम को खेती बाड़ी में एस्टैब्लिश किया जा सके और कैसे खेती बाड़ी में आपके पैसे डूबने से बचाए जा सकते हैं, डिस्पाइट ऑफ आपके मौसम ने साथ नहीं किया या फिर मार्केट के रेट ने सपोर्ट नहीं किया, तब आप क्या करोगे? तो इसकी प्लानिंग पहले से बना के चलनी पड़ेगी और यही पे 99.9% किसान और किसानी सिखाने वाले ट्रेनर्स मुंह के बल आके फेल हो जाते हैं और यही चीज आपको सबसे पहले सीखनी पड़ेगी किसान बिजनेस क्लिनिक के ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए। तो आप अपना प्रोफेशनल लेवल का करियर फार्मिंग के सेक्टर से कैसे शुरुआत कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको इस चीज की क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। दूसरा, इस चीज की भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं चाहिए। ये जगह बहुत ज्यादा जरूरी है। किसको क्या चाहिए वो तो सबको पता होता है, बट किसको क्या नहीं चाहिए ये ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है और यही चीज आपको अपने लेवल में फिगर आउट करना है। और तीसरा, आपको अपने लेवल में क्या इस मोमेंट में चाहिए, इसकी भी क्लैरिटी चाहिए। तो मतलब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन लेके ही आपको अखाड़े में उतरना है। ऑब्वियसली इसका परसेंटेज कम ज्यादा होगा, बट उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको पहले से प्लानिंग लेके तब जाके नौकरी छोड़नी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मैंने अपने पिछले 7 से 8 साल जब जॉब करता था, ये तजुर्बे को और ये जो ट्रांजिशन जो मैंने किया खेती बाड़ी में, तो इतने कम समय में इतना ज्यादा मेरा सक्सेस होने का सबसे बड़ा यही कारण है कि मैंने अपने जो ट्रांजिशन को काफी बैलेंस आउट कर लिया। तो आज की इस पूरे वीडियो में आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि नौकरी छोड़ना वो बड़ा खतरा नहीं है। नौकरी छोड़ने से भी बड़ा खतरा है कि आप जो नए फील्ड, जो फार्मिंग का प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो उसमें कितना जल्द से जल्द अपने रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम को एस्टैब्लिश किया जाए, वो सिस्टम, प्रोसेस या फिर बिजनेस मॉडल। और दूसरा हो गया कि आपके सेविंग्स को सही जगह कहाँ पे लगाया जाए, कैसे लगाया जाए, कैसे उसको सही से यूटिलाइज किया जाए या फिर अपने सेविंग्स को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। तो ये दोनों के चीज में ही पूरा आपका फार्मिंग का करियर बसा बसाया है और ये चीजों की क्लैरिटी जब आप किसान बिजनेस क्लिनिक के मेन ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमसे ले लेते हो, तब आपका करियर लाइन काफी स्मूथ हो जाता है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और यस, आज का ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ तो जरूर शेयर कीजिए जो नौकरी छोड़ के खेती बाड़ी तो शुरू करना चाहते हैं, बट उनको प्रोफेशनल लेवल का गाइडेंस देने वाला कोई नहीं है। तो उनके साथ आज का ये वीडियो शेयर कीजिए ही कीजिए। धन्यवाद।